हम अपने रिजल्ट्स को कितना ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं ये काफ़ी हद तक हमारी इमेजिनेशन का काम है। 1960 में अंतरिक्ष में यात्रा करना टेक्निकली इम्पॉसिबल था, हालांकि 10 वर्षों के अंदर इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उस सपने को हकीकत में बदलने की चमत्कारी प्रक्रिया तब शुरू हुई जब एक आवाज़ ने वैज्ञानिक समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक हो करने की चुनौती दी, और उस चुनौती ने वैज्ञानिकों के दिमाग में कल्पना का बीज बोया। उस एक साहसिक चुनौती के साथ असंभव वास्तविकता बन गया। क्या कोई गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है? बिल्कुल। इच्छा, योजना, प्रयास और दृढ़ता का अनूठा संयोजन हमेशा अपना जादू बिखेरता रहेगा। सवाल यह नहीं है कि सफलता का फार्मूला काम करेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या व्यक्ति उस फार्मूले पर काम करेगा। यही वह चुनौती है जो हम सभी के सामने है। हम सब जहाँ भी हैं वहाँ से जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। कोई भी सपना असंभव नहीं है, बशर्ते हम पहले उस पर विश्वास करने का साहस रखें। यहाँ जिम रॉन बताते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जीवन को बेहतरीन बनाने के 13 तरीके। नंबर 1, फेस योर फियर्स। अपने डर का सामना करें, इसी तरह आप उन पर विजय पाते हैं। उन्हें खारिज मत करो, उनका सामना करो। कहो, यही वह चीज है जिससे मैं डरता हूँ, मैं इसे बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ। आज ही अपने डर का सामना करें। नंबर 2, दिशा बदलने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। एक्सरसाइज योर विल पावर टू चेंज डायरेक्शन। यदि आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो आपको वही करते रहने की जरूरत नहीं है जो आप पिछले 6 वर्षों से करते आ रहे हैं। एक नई मंजिल चुनें और उस रास्ते पर चलें। प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति विल पावर का इस्तेमाल करें। आपको पिछले वर्ष को दोहराने की जरूरत नहीं है। गलतियों को सुधारें, अब इसे अगले वर्ष में इन्वेस्ट करें। देखो इससे कितना फर्क पड़ता है। नंबर 3, अपनी गलतियां स्वीकार करें। एडमिट योर मिस्टेक्स। कभी कभी आपको उन्हें दूसरों के सामने स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ अंग्रेजी भाषा के सबसे अच्छे वाक्यांशों में से एक है आई एम सॉरी। वे शब्द एक बिल्कुल नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। वे दो लोगों को बिल्कुल नई दिशा में ले जाना शुरू कर सकते हैं। अपनी गलतियां स्वयं स्वीकार करें। आपको उनके बारे में आस पड़ोस में हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बैठकर खुद से बातचीत करने और यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि खुद से मजाक करने का कोई फायदा नहीं है। मैं वास्तव में यही हूँ। एक बार गर्ल स्काउट्स के मेरे दरवाजे से चले जाने के बाद मैंने यही कहा था। मैंने खुद से बातचीत की और कहा, मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा हो। कहानी कुछ इस तरह है। एक दिन मैं अपने घर पर आराम कर रहा था, तभी मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा दो बड़ी भूरी आंखें मुझे घूर रही थी। वहां लगभग 10 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसने दिल में पूरे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ मुझे बताया कि वह गर्ल स्काउट कुकीज बेच रही थी। ये एक शानदार प्रस्तुति थी, कई स्वाद, एक विशेष डील और प्रति बॉक्स केवल $2। भला कोई कैसे मना कर सकता है। आखिरकार एक बड़ी मुस्कान और बेहद विनम्रता के साथ उसने मुझसे खरीदने के लिए कहा, और मैं खरीदना चाहता था। ओह, मैं कैसे चाहता था एक चीज के अलावा। मेरे पास $2 नहीं थे। मैं एक पिता था, कॉलेज जा चुका था और ठीक ठाक नौकरी पर था, फिर भी मेरे पास $2 नहीं थे। स्वाभाविक रूप से मैं यह बात बड़ी बुरी आंखों वाली छोटी लड़की को नहीं बता सका। मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैंने इस साल पहले ही कुकीज खरीद ली है और मेरे पास अभी भी घर में बहुत सारा सामान भरा हुआ है। यह बिल्कुल सच नहीं था, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैं सोच सकता था कि मुझे परेशानी से छुटकारा मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही वह मुड़ी और अपने रास्ते चली गई। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। आखिरकार मैंने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और उस पर अपनी पीठ झुकाते हुए चिल्लाया, मैं अब इस तरह नहीं जीना चाहता। अब मुझे अपनी जेब में पैसे ना होने के कारण फिर कभी शर्मिंदा नहीं होना। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं इतना कमाऊंगा कि हर समय मेरी जेब में कई $100 रहेंगे। नंबर 4, अपने लक्ष्यों में सुधार करें। रिफाइन योर गोल्स। प्रक्रिया प्रारंभ करें, कुछ ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें, किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए पहुंचें। आपने जो सोचा था कि आप कर सकते हैं उससे आगे बढ़कर कुछ करें। नंबर 5, खुद पर विश्वास रखें। बिलीव इन योर सेल्फ। आपको संभावनाओं पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि कल आज से बेहतर हो सकता है। अपने आप पर यकीन रखो।
ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसे आप सीख नहीं सकते, ऐसा कोई अनुशासन नहीं है जिसे आप आजमा नहीं सकते, ऐसी कोई कक्षा नहीं है जिसे आप नहीं ले सकते, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसे आप पढ़ ना सकें। नंबर 6, बुद्धि मांगो, आस्क फॉर विजडम, उस ज्ञान की मांग करें जो उत्तर उत्पन्न करे, आज और कल की चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान मांगें, यह मत चाहो कि यह आसान होता, बल्कि चाहो कि काश आप बेहतर होते। नंबर 7, अपना समय बचाएं, कंजर्व योर टाइम, कभी कभी हम नकली हो जाते हैं, औसत व्यक्ति कहता है मुझे 20 साल और मिले हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको 20 और मौके मिले हैं। यदि आप साल में एक बार मछली पकड़ने जाते हैं तो आपके पास मछली पकड़ने जाने के लिए केवल 20 बार और समय होगा, 20 साल नहीं। नंबर 8, अपने प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। यहाँ एक फिलॉसफी है जो मेरे गुरु अर्ल सॉफ ने मुझे दी थी, मुनाफा मजदूरी से बेहतर है, मजदूरी आपको आजीविका देती है, मुनाफा आपको अमीर बनाता है। क्या हम जीविकोपार्जन के साथ साथ मुनाफा भी कमाना शुरू कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। नंबर 9, इंटेंसिटी से जियो, लिव विद इंटेंसिटी। आप इसे एक या दो पायदान ऊपर भी कर सकते हैं, आप जो भी करें उसमें अपना अधिक निवेश करें, थोड़ा मजबूत बनो, थोड़ा समझदार बनो, अपनी जीवन शक्ति का योगदान बढ़ाएं, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना सब कुछ लगा दें, और फिर अधिक जीवन शक्ति, अधिक ताकत और अधिक जोश, अधिक हृदय और अधिक आत्मा की मांग करें। नंबर 10, अपनी जगह खोजें, फाइंड योर प्लेस। यदि आप सिर्फ नौकरी करते हैं तो सबसे अच्छी जगह ढूंढें जहां आप अच्छी सेवा कर सकें, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, यह आपका सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 11, अपने आप से ईमानदारी की मांग करें, डिमांड इंटेग्रिटी फ्रॉम योर सेल्फ। ईमानदारी वफादारी की तरह है, आप किसी और से इसकी मांग नहीं कर सकते, आप केवल स्वयं से इसकी मांग कर सकते हैं। वफादारी का सबसे अच्छा उदाहरण बने और आपको वफादार अनुयायी मिलेंगे। ईमानदारी का सबसे अच्छा उदाहरण बने और आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनमें ईमानदारी होगी। नंबर 12, अनुशासन का स्वागत करें, वेलकम द डिसिप्लिन्स। मैं आपको इससे बेहतर सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि अनुशासन वास्तविकता का निर्माण करते हैं, अनुशासन शहरों का निर्माण करता है। एक अच्छी तरह से अनुशासित गतिविधि प्रचुरता, विशिष्टता और उत्पादकता पैदा करती है। नंबर 13, जो सही है उसके लिए लड़ो, फाइट फॉर व्हाट्स राइट। यह कहने में सक्षम होना असाधारण है, मैंने अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया, जो सही था मैंने उसके लिए संघर्ष किया, मैंने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संघर्ष किया, मैंने अपनी कंपनी की रक्षा के लिए संघर्ष किया, मैंने एक अच्छे कैरियर के लिए संघर्ष किया जिससे मेरे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी। अतिक्रमण से लड़ना अच्छा है, यदि आप कुछ मूल्यवान चाहते हैं तो आपको उसके लिए लड़ना होगा।